नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में, जिसमें हमारे पास एक ख़ास मेहमान हैं जो एक ख़ास चीज़ हमारे लिए लेकर आए हैं, और उस चीज़ का नाम है स्कंदा द अटैकर, जो 28 सितंबर को हम सबके सामने सिनेमाघरों में खुलेगी। और इसे लेकर आ रहे हैं, सर क्या कहूँ मैं आपको, मैं आपको राम कहूँ, राम पोथीनेनी कहूँ, रापो कहूँ, उस्ताद स्मार्ट शंकर कहूँ, वॉरियर कहूँ, या अब स्कंदा द अटैकर कहूँ, बिकॉज पीपल नो यू बाई सो मेनी नेम्स, सो मच लव फॉर यू सर। दिल से कुछ भी कहो मैं सुपर। मुझे हिंदी इतना हैप्पी टू हैव यू हियर सर। थैंक यू सो मच सर। मुझे हिंदी इतना नहीं आता, मगर कोशिश करूंगा। बहुत अच्छी बोल रहे हैं आप ऑलरेडी, तो कोशिश तो बाकी तो मैं कर ही लूंगा सर। तो थोड़ा मिस होगा तो आप डबिंग कीजिए, डब कर लेंगे। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट यू नो दिस इज आई थिंक एन अनप्रेसिडेंटेड मूव, जहां एक वॉइस आर्टिस्ट, यू नो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि यार इतने सारे एक्टर्स के लिए वॉइस करते हो, कभी मिले हो किसी से? तो मैंने कहा नहीं, अब तक तो नहीं, पर आज से यू नो आई विल बी सेइंग दैट सर, रापो सर से मिला हूँ, फर्स्ट हैंड मिला हूँ, एंड जैसे सोचा था उससे 100 गुना बेटर ह्यूमन बीइंग है। व्हाट अ ग्रेट ग्रेट यू नो अपॉर्चुनिटी, एंड इट्स अ प्रिविलेज टू बी एबल टू सिट हियर एंड स्पीक विद यू। सेम सर, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हम भी स्क्रीन में कर रहा हूँ मैं जी, जब डबिंग थिएटर में मैं तेलुगु में डब कर रहा हूँ जी, आई नो द वैल्यू ऑफ द डबिंग। एब्सोल्युटली, थोड़ा परफॉर्मेंस भी इतना एनहांस कर सकते हैं और कम भी हो सकता है जी, बिल्कुल। डबिंग का वैल्यू मुझे पता है, क्योंकि मैं बिल्कुल जब मैं हिंदी में देख रहा हूँ तो भी आपका वैल्यू मुझे पता, यू नो फर्स्ट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या किया और डबिंग में मैं कैसे एनहांस किया। बिल्कुल, आप वो भी हिंदी में कर रहे हैं तो आपका वैल्यू मुझे नहीं, बट सर मैं ऑनेस्टली कहूंगा आपसे कि दिस इज रियली लार्ज हार्टेड ऑफ यू टू बी एबल टू से दिस, यू नो इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, एंड यू नो यू नो आइडिया द कि इससे कितना मोरल बूस्ट होगा वॉइस आर्टिस्ट का एवरीवेयर, एंड आई एम यू नो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग स्कंदा, हम सब बेसब्री से इंतजार, मैंने तो डब की है, मैंने फिल्म देख रखी है, फिर भी आई एम लाइक थिएटर में कब आएगी, जाके देखना है, एंड ज़रूर देखनी है थिएटर में जाके सभी को। तो सर आइए आपसे कुछ यू नो सवाल करते हैं इसी ये डबिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में, कि आपको कैसा लगता है आपकी शक्ल पर आवाज़ किसी और की, यू नो हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉच दिस ऑन स्क्रीन? सर ऑनेस्टली मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, मेरा वॉइस और मेरा मॉड्यूलेशन, यू नो जब तेलुगु में डब कर रहा हूँ, इनिशियली मुझे हिंदी डबिंग मार्केट इतना अवेयरनेस नहीं था। राइट, आई स्टिल रिमेंबर मैं एक बार मुंबई में था, माय डैड वाज अनवेल, सो कोकिला बेन में कुछ ये, और एक 55-60 ईयर ओल्ड एक आदमी आया था जी, सीख था वो, और उसने मुझे पहली बार, आई थिंक दिस वाज इन 2016, ओके, पहली बार ही रिकॉग्नाइज मी, एंड उसने बोला कि यू नो कुछ फिल्म का नेम लेके आया, मुझे पता भी नहीं चला जी, बोला, मैंने बोला सर आपको कैसे पता, मैं यू नो मुंबई, एब्सोल्युटली, इट्स लाइक नहीं आप वो फिल्म किया था ना, लाइक सॉरी सर रॉन्ग एक्टर, मैं वो फिल्म नहीं किया, मैं तेलुगु में, नहीं आप ही वो बोल रहा है, करेक्ट, लाइक नहीं सर, देन ही वाज लाइक, एंड देन आफ्टर दैट मुझे पता चला कि वो डबिंग के बारे में जी बात कर रहा था, सो 2016 में मुझे पता चला कि वो फिल्म्स बहुत देख रहा है, बिल्कुल, सो दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, उसके बाद ओनली केप्ट इंक्रीजिंग, करेक्ट, आई मीन बहुत देख रहा है, मैं तो कहूंगा इज एन अंडरस्टेटमेंट सर, बिकॉज अभी इफ़ यू लुक एट द काइंड ऑफ यू नो द डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ योर फिल्म, अभी देर आर फिल्म विच हैव क्रॉस 200 मिलियन, देर आर फिल्म विच हैव क्रॉस 300 मिलियन, एंड देर आर कपल विच हैव क्रॉस 500 मिलियन, सो आई मीन यू नो वो अंडरस्टेटमेंट हो गया कि कुछ लोग देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, सभी बहुत प्यार कर रहे हैं, यू नो आपके डायलॉग्स और आपके जो सीन्स हैं वो वायरल हो रहे हैं इंटरनेट पर। आई रिमेंबर हम लोग अभी स्मार्ट शंकर की बात कर रहे थे, सच अ रेज, यू नो जैसे ही कोई आईफोन का नया मॉडल आता है स्मार्ट शंकर का डायलॉग आ जाता है कि अरे उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि वो ओरिजिनल वर्जन में वो डायलॉग नहीं था, नहीं हिंदी में कौन स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट में चेंज किया बदला या आपने डबिंग स्टूडियो में? सो कई बार
स्क्रिप्ट राइटर्स इंप्रोवाइज करते हैं, क्योंकि मैं सुनने के बाद मैं पूरी सर को वो शेयर करके दोनों बहुत हंसा, लाइक सर लुक हाउ हाउ दे इंप्रोवाइजिंग एंड ऑल ऑफ दैट, एज लॉन्ग एज यू आर सेइंग हाउ दे आर इंप्रोवाइजिंग एंड नॉट, नो नो, वी वर वेरी इंप्रेस, बहुत इंप्रेस होके दोनों हंस रहे थे. नहीं नहीं सर, आई एम ग्लैड दैट यू एंजॉयड इट सर, बिकॉज क्या होता है कि पूरी टीम होती है, जनरली देर आर राइटर्स जो काफ़ी हद तक इम्प्रोवाइज करते हैं, कई बार डायरेक्टर्स एक्टर्स, हमारा जो इंटरेक्शन होता है उससे भी, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम श्योर दैट एज एन एक्टर व्हेन यू आर ऑन सेट एंड विद द डायरेक्टर एंड यू डू अ सीन अ पर्टिकुलर वे, तो डायरेक्टर बोलता है कि शायद ऐसे नहीं कुछ और ट्राई करते हैं, या आप कोई सजेशन देते हैं, यू ट्राई इट अनदर वे एंड इट लुक्स फ्रेश और इट लुक्स यू नो कम्प्लीटली डिफरेंट. तो वैसा ही हमारे साथ भी होता है, हम भी कुछ कुछ सीन्स या डायलॉग्स के लिए कुछ you know improvisation creative liberty le lete hain and works I think because I'm glad that puri sir tak ye baat pahunch gayi hai and it's something like that is what we've tried with Skanda also, yeah? I must say, okay. Because ek zabardast, I mean the trailer is filled with punch dialogues, I mean it's one of those trailers jo mujhe karne mein bahut maza aaya. I'm going to ask you aapka pasandida dialogue kya hai, but I'll tell you the improvisation that we tried out in this is meri punch ka sound char minar tak jayega और तेरी चीख लाल किले तक. सो दिस वाज इम्प्रोवाइज कि अभी पैन इंडिया पहुंचनी चाहिए चीख. सो दिस इज व्हाट वी ट्राइड, बट यू टेल अस सर व्हाट वाज योर फेवरेट डायलॉग फ्रॉम दैट, इट कुड बी इन तेलुगु, नो प्रॉब्लम. मेरा फेवरेट डायलॉग सब फिल्में ही है, रिलीज नहीं किया. नो बट एवरी सिंगल डायलॉग ऑफ द ट्रेलर इस वाले का, हां लुक में है ना उसका डायलॉग एक है फाइट में, अब मैं रिवील नहीं कर सकता हूं. नहीं नहीं मत कीजिए. और मैं आई एम वेरी ईगर टू लिसन टू व्हाट you have done to that dialogue. Oh. क्योंकि वो बहुत तेलुगु लोकल डायलॉग है. करेक्ट. बट बहुत एटीट्यूड है डायलॉग में. करेक्ट. और एक इंटेंस फाइट में आएगा. एब्सोल्युटली. इंटेंस फाइट में एक एंटरटेनिंग डायलॉग आएगा. एंड लेट मी टेल यू, ये मेरी एक कंप्लेन थी, बिकॉज जब हम डब कर रहे थे तो यू नो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट, पायरेसी वगैरह के बहुत इशूज़ होते हैं, एंड यू नो प्लीज़ मेक श्योर कि आप थिएटर्स में जाकर स्कंदा देखें एंड यू नो गिव इट ऑल द लव दैट द फिल्म डिजर्व्स. तो हमें ना बहुत सारे सीन सिर्फ डब टू डब सीन जो होते हैं वही दिखाए जाते हैं, तो मुझे बहुत मन था कि इसमें फाइट सीन्स देखने हैं, बोयापति सर की फाइट्स हैं, एंड आई यू नो आपने जो यू नो द फिल्म यूज़ टू लीड अस टू द फाइट, और फिर हमारे डबिंग आर्टिस्ट के लिए वो ब्लैकआउट हो जाता था, एंड आई लाइक अरे यार ये फाइट देखने नहीं मिलेगी, बट देन इन अ वे आई एम हैप्पी बिकॉज अब वो बड़े पर्दे पर देखने जैसी फाइट है एंड बड़े पर्दे पर ही देखनी चाहिए. सो दैट इज वन थिंग. सो ये स्कंदा बहुत लोग जब पूछ रहा था कि यू नो पैन इंडिया रिलीज है बॉलीवुड फिल्म है, ये बॉलीवुड फिल्म नहीं है. नहीं, जनरली क्या होता है मेरा फिल्म तेलुगु में रिलीज होने के बाद 1 ईयर के बाद यूट्यूब में, बिल्कुल, तो वो नहीं चाहिए. और जब हम फिल्म शूट कर रहे हैं सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए, एब्सोल्युटली कर रहा हूँ, यू नो ये बिग स्क्रीन में ऐसा दिखेगा, बिग स्क्रीन में ऐसा दिखेगा. करेक्ट. सो दैट एक्सपीरियंस जब इतने सारे लोग इतना यूट्यूब पे इतना एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल, यू नो टीवी में और फोन्स में. करेक्ट. इमेजिन वॉचिंग द सेम थिंग ऑन द बिग स्क्रीन. ओह. सो उन लोगों के लिए एक ही बार रिलीज करना. करेक्ट. तो कुछ नहीं बदला, सेम तेलुगु फिल्म जो हम किया वो ही सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए पूरा रिलीज कर रहा हूँ. तो मुझे ना ऐसे एक अंदर की बात पता चली है कि एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव इट कम्प्लीटली शॉक्ड मी कि यहाँ पर जब मिक्सिंग होती है, जो अपनी भी फिल्म की जब मिक्सिंग हुई है, जो म्यूजिक वगैरह जब बचता है तो स्पीकर फट जाते हैं. हाँ. स्पीकर फट जाते हैं एंड दिस वाज सो अस्टाउंडिंग. मैंने सुना कि ऐसे कैसे होता है. अरे भाई ये रेगुलर चीज है, एक नहीं 5-6 फट जाते हैं. तो उस लेवल की म्यूजिक एंड द सॉन्ग्स दे आर सो ब्यूटीफुली डन इन हिंदी, आई एम लविंग देम. पीछे पीछे इज लाइक माय फेवरेट, द क्लब सॉन्ग इज माय फेवरेट सॉन्ग. डू टेल अस समथिंग अबाउट द सॉन्ग्स एंड हाउ यू गाइज काइंड ऑफ वर्क्ड ऑन देम रिक्रिएटिंग देम फॉर द हिंदी वन. सो बेसिकली सॉन्ग्स एक अलग अलग चैलेंज होता है. करेक्ट. क्योंकि लिरिक्स और लिप सिंक तो भी माइंड में रखना. बिल्कुल. सो आई थिंक एक एक्स्ट्रा एफर्ट था क्योंकि 5 लैंग्वेज में रिलीज हो रहा है. सो तेलुगु में लिखा हुआ है और 4 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना है. ऑफ कोर्स. सो इट वाज अ चैलेंज बट आई एम If you're liking it, then I think we're successful at it. There are already, views in millions for the songs people are going crazy about them. So, and then I think that's what makes a film complete. Generally, kya hota hai ki we are deprived of the songs when we are watching them on YouTube because they're cut aur jo duration thoda sa kam ho jata hai. Aur ab wo isliye hota hai kyunki kabhi kabhi half-hearted wo kar dete hain to wo maza bhi nahi rehta. Exactly. Or they retain the original. But this one. One of the reasons was, main YouTube mein ek mera film kuch dekh raha tha. Correct. Aur जब हम सॉन्ग सिचुएशंस भी थिंक करते हैं ना, फॉर एग्जांपल नेनू शैलजा इज सुपर खिलाड़ी 3. राइट. सुपर खिलाड़ी 3. सो उसमें जब मैं हीरोइन को देखता हूँ
एक री रिकॉर्डिंग आता है और मैं ऊपर देख के नहीं बोलता हूँ, मुझे प्यार में नहीं पढ़ना है, और सेकंड टाइम देखता हूँ और सेम होगा नहीं बोल. थर्ड टाइम जब हुआ करेक्ट री रिकॉर्डिंग नहीं आएगा, आई लुक अप एंड आई सेड अब स्टार्ट करो. वो ब्यूटीफुल सॉन्ग का क्रेजी फीलिंग का लीड है. राइट. जब मैं हिंदी वर्जन देख रहा था उसके बाद कट हो गया. अरे दिस एक्सपीरियंस इज मिसिंग आउट. करेक्ट. सो या सो देयर आर टाइम्स व्हेन यू नो दीस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस गेट रॉब्ड एंड यू नो व्हिच इज व्हाई आई एम रियली हैप्पी कि एक तो आई एम हैप्पी दैट इट्स योर फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म. वी आर रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड यू नो जो नाच गाना या सीटियां हम पहले यूट्यूब वगैरह पे देख के घर में बजाते थे, अब थिएटर में सिनेमा में जाके फोन से 1000 times bigger. एंड यू नो आई एम टेलिंग यू, मैंने तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है. ऑल ऑफ यू डेफिनेटली शुड. सो ओके लेट्स कम बैक टू यू नो यू ऑल्सो यू नो डू यू हैव एनी प्लान्स ऑफ डबिंग. इसका आंसर ना देना है आपको, मैं पहले डू यू हैव एनी प्लान्स ऑफ डबिंग फॉर यू नो योर फिल्म्स इन हिंदी इवेंचुअली एंड ऑल. ना बोलना है आपको सीधा. पेट पे लात नहीं मारनी है आप किसी. जैसे वॉइस मिल गया तो हम क्या करेंगे, आप रुला देंगे. नहीं बट सीरियसली डू यू हैव एनी यू नो प्लान्स ऑफ कमिंग फॉर अ हिंदी फिल्म, यू नो एक्टिंग इन अ हिंदी फिल्म, बिकॉज़ वी'd लव टू सी यू इन अ हिंदी फिल्म सर. डेफिनेटली सर, डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्टर एंड यू नो द काइंड ऑफ. क्योंकि मैं माय मेंटालिटी इज मैं जो भी करूंगा मुझे 100% कॉन्फिडेंस होना है और 100% उसमें डालना है. बिल्कुल. तो मुझे कंफ्यूजन में किसी चीज में घुसना नहीं है. करेक्ट. तो एक डायरेक्टर आके एक स्क्रिप्ट लेके मेरे पास आ गया तो मैं दैट स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्टर विल मेक मी वर्क. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो वो मुझे इंस्पायर करेगा और मैं हिंदी और ज्यादा सीखूंगा. और यू नो मुंबई का हिंदी है या विच एरिया का हिंदी है वो अलग अलग होगा. वो सब दैट स्क्रिप्ट हैज टू इंस्पायर मी टू ऑल ऑफ दैट. ओनली व्हेन वंस आई गेट दैट मैं उसमें करूंगा. क्योंकि जो भी ऑडियंस को देना है मुझे 100% देना है. वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो मेरे हाथ में नहीं है. मगर आई शुड नेवर फील गिल्टी सेइंग अरे मैं हाफ हार्टेडली किया है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. एंड दैट्स कंप्लीटली फेयर. तो बट मतलब आप थोड़ा बहुत अब कनेक्शन तो बन रहा है आपका. मतलब हम वी आर ऑल ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू डबल स्मार्ट ऑल्सो. और उसमें आई हैव हर्ड संजय दत्त सर इज आल्सो देयर विद यू. एंड यू नो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, हमें प्लीज थोड़ा सा बताइए. ही इज अ डार्लिंग. संजू बाबा इज लाइक व्हाट एवर वी हियर आउटसाइड ही इज लाइक अ डार्लिंग. सो दो स्केड्यूल किया मुंबई में और एक बैंकॉक में किया. वंडरफुल. और शूटिंग के बाद he'll take us out, he'll order, he'll feed us, like वो क्या कर रहा है, ये कालो, he'll like literally hold you, feed you. He's like a major foodie. I'm also a major foodie. अच्छा तो मुझे ये बताइए कि when you were in Mumbai and all for your shoots, I've heard that बहुत mobbing वगैरह हुई, बहुत लोग वगैरह आ रहे थे, they were all recognizing you. How does it feel now going outside anyway, but everybody is like sir, Ram, you know. Sir, it's always a blessing क्योंकि no matter which language, what, who, whatever, जब भी I think the biggest high I get इस प्रोफेशन में the biggest high I get is आप कितने भी खराब मूड में हो आपका फेवरेट एक्टर दिख गया तो सब भूल जाते हो. करेक्ट करेक्ट. और आपको पता नहीं चलेगा, एक हंसी आएगा, स्माइल आ जाएगा फेस पे. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक दैट इज माई बिगेस्ट सुपर पावर. सुपर. वो मैं देखा. इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑडियंस, आई थिंक इफ आई एम एबल टू डू दैट टू मोर पीपल. Correct. I think that is my superpower. Speaking of Sanjay Dutt sir, we've also heard that you've you know recently been able to spend a little bit of time with Shah Rukh sir, and you know Jawan had Skanda ka trailer also. A lot of people who went for the Jawan shows were able to see Skanda on the big screen as a trailer and all. Yeah. So how was the experience talking to him as well? Oh, he's like the minute you meet him, he'll make you feel like you're the most important person in the room. Everybody knows that. Correct. He's sweetheart to the power of sweetheart. So you know itna bada star hai, and you right. know when Atli is a good friend of mine, right. Atli and Priya. So jab introduce kiya tab bhi it was a very private party, only crew tha. So, correct. Introduce kiya, you know, started talking about my films and this and that, and you know, so he didn't have to talk to me for so long, and you know, right. so sweetly, and get to know more about me, and he's like aapka trailer bhejo main dekhunga. Oh, and all wonderful. Of that, you know, he didn't have to do so much. Correct. But he'll make you feel like you're the most important person in the world. Oh, superb. So I'm really happy. All the girls, they keep asking, how does he smell? He smells fab.
पहला क्वेश्चन वो शाहरुख को मीट किया, हाउ डज ही स्मेल, हाउ डज ही स्मेल, ही स्मेल्स अमेजिंग फॉर ऑल द गर्ल्स. ओके, आई एम गोना टेल यू दैट यू नो अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैव लाइक अ मेजर क्रश ऑन रामपोती नेनी, लाइक डज ही यू नो इज ही स्माइलिंग दैट क्यूट, यू नो आई हैव बीन गेटिंग दीस मैसेजेस टुडे कि वो पर्सनल लाइफ में रियल लाइफ में भी वैसे ही स्माइल है, वीएफएक्स करवाते हैं, नो देयर इज नो वीएफएक्स, ही इज एज क्यूट इन रियल लाइफ एज ही इज ऑन स्क्रीन. रियल लाइफ में इतना बजट नहीं है. बजट So then coming back to you know Boyapati sir, and you know there's a connection that I also have with Boyapati sir because I had voiced for Sarai Nodu, I had voiced for Dhamu, and I'm so glad that I have voiced now for Skanda, and I met him thodi der pehle, main unse mila bhi. You know the kind of numbers jo unhone generate kiye hain, the way he presents you know a the hero heroes, yeah. It completely makes you look at the actor. एक बिल्कुल नए नज़रिए से आप उस हीरो को देखने लगते हैं, उनका एक अलग सा स्टाइल है यू नो, और हर फ्रेम में उस यू नो उस हीरो को एक अलग इंपॉर्टेंस दी जाती है, और यू नो आपका ध्यान कहीं और जाएगा नहीं इसकी यू नो, एंड द फाइट्स एंड यू नो द लार्जर देन लाइफ जो एक्सपीरियंस दिलाते हैं वो विद दिस लेटेस्ट अखंडा ऑल्सो बींग लाइक दिस मैसिव मैसिव हिट. तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस यू नो, लेट्स हियर अबाउट बोयापति सर. लाइक यू सेड, ही इज एवरीथिंग यू सेड. Correct. और इस फिल्म में स्पेशली इस फिल्म में आई थिंक द मेन थिंग वी नीड टू टॉक अबाउट इज द एक्शन सीक्वेंसेस दैट ही हैज डन. इस फिल्म में एक्शन सीक्वेंस जो है स्पेशली द क्लाइमैक्स और ऑल दैट. क्लाइमैक्स हमने 24 डेज शूट किया एक्शन सीक्वेंस, और 24 डेज सेट में 10 बजे आके नहीं, यू नो अर्ली इन द मॉर्निंग यू स्टार्ट लाइट टिल द लास्ट यू नो रे ऑफ लाइट, वी यूज्ड टू कीप शूटिंग. सो इतना दिन इतने मेहनत से किया 24 डेज, सो दैट वाज अ बिग एक्सपीरियंस. लाइक आई जस्ट वॉच द फिल्म एंड गेम अभी देख के आया था मैं, और वो सब दिख रहा है, वो एक अलग फिल्म जैसा दिख रहा है, यू नो द काइंड ऑफ एफर्ट ही पुट्स टू पोर्ट्रे द हीरो. उसका एक ही है हीरो, मेरा हीरो ऐसा दिख रहा है, यू नो मैं ऐसा दिखता हूँ, और दिस इज हाउ आई सी हिम एंड दिस इज हाउ आई वांट द ऑडियंस टू सी हिम. सो आई थिंक स्कंदा ही इज, वो एक बात भी बोला था कि मैं एक्शन फिल्म किया मगर ये थोड़ा अलग है. जो भी मैं इतने फिल्म्स में किया, ये क्लाइमैक्स बिल्कुल अलग. मैंने भी इतना ट्राई नहीं किया. और तमन ने बोला करेक्ट, वो क्लाइमैक्स देखने के बाद वो लेकिन मैं क्या करूँ, यू नो इट्स लाइक यू हैव गिवन मी एन एलिफेंट, व्हाट डू आई प्ले फॉर दिस एलिफेंट, यू नो दैट. सो बिकॉज़ हिज बीट्स एंड ऑल इन द ट्रेलर आर लाइक सुपर, मतलब यू हैव टू स्टार्ट शेकिंग यू नो द मोमेंट दोस बीट्स कम एंड यू नो इट्स जस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी दैट विल गो ऑफ. एग्जैक्टली, सब थिएटर्स नो डाउट 5-6 स्पीकर उड़ रहे हैं और उड़ने भी चाहिए, सब थिएटर्स में रिनोवेट होगा बिल्कुल, सब साउंड सिस्टम होना ही चाहिए. सो टेल मी समथिंग अबाउट स्कंदा, हाउ डू यू यू नो, और इन जनरल आपका प्रोसेस क्या है, आप किसी किरदार के ऊपर जो आपकी तैयारियां होती हैं वो किस तरह से करते हैं, क्या प्रोसेस है आपका? सो जो भी फिल्म में कर रहा हूँ, इट्स जो भी कैरेक्टर में कर रहा हूँ जी, इट्स अ मिक्सचर ऑफ 4 थिंग्स. एक डायरेक्टर का इमेजिनेशन जब वो लिख रहा है, और डायरेक्टर का पर्सनल वो भी होगा क्योंकि वो ऐसा सोच रहा है. करेक्ट. मैं सुनने के बाद मैं माई इंटरप्रिटेशन ऑफ द कैरेक्टर, मैं कैसा इमेजिन कर रहा हूँ उस कैरेक्टर को, और मेरा पर्सनल भी होगा क्योंकि मैं कर रहा हूँ. करेक्ट. ये चारों अलग अलग परसेंटेजेस में होगा, मगर परफेक्ट ब्लेंड होने के लिए बहुत इंट्रैक्शन होना है, बहुत एक्सचेंजेस होना है डायरेक्टर से और करेक्टर से. सो दैट वेज आई थिंक बहुत बात करता हूँ मैं, स्पेशली इस फिल्म के लिए मैं इतना बल्क नहीं दिखा किसी फिल्म में. डायरेक्टर सर ने एक ही बोला था कि आप जब पंच कर रहे हो उस फिल्म में, एक बुलडोजर जैसा दिखना है, बिल्कुल यू नो पंच जैसा, एक बुलडोजर जैसा दिखना, बिल्कुल. सो दैट्स द रीजन व्हाई मैं इतना वेट पुट ऑन करके यू नो आई वर्क आउट एट 3 AM इन द मॉर्निंग एंड यू नो डू ऑल ऑफ दैट. सो इट शोज, आई मीन इफ यू जस्ट लुकिंग एट द पोस्टर बिहाइंड यू एंड यू नो एंड वी हैव सीन द ट्रेलर, तो हमें दिख रहा है कि आपने जो मेहनत ली है, and you know that's exactly the whole point of going to a theater and watching it on a big screen, you know the kind of experience jo ye film hame degi. So alag alag preparations hota hai, but we have the director and you know we have the DOP to interact and bahut sare log. Main aap se puchna chahta hu ki aap kaise karoge jab ek aapko bhi thoda preparation chahiye na, kyunki jab main dub kar raha hu screen location mein कैरेक्टर्स होगा, वो एम्बियंस होगा, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स टू सपोर्ट, बट द सेम से सीन हम वो इमोशन रेप्लिकेट करने में बहुत टफ होता है डबिंग स्टूडियो में, यू नो देयर विल बी अ साउंड इंजीनियर, डायरेक्शन डिपार्टमेंट कोच,
इट्स लाइक एम्प्टी यू नो फिर से वो मूड में जाना है सो फॉर यू इट फॉर अस इट्स लिटिल इजियर बिकॉज मैं वो मूड में रह चुका हूँ करेक्ट रह चुका हूँ so for me to I just have to go back to my memory correct आपने experience कर लिया आपको याद करके आप first time देख रहे हो आप कैसे कर आप prepare कैसे होगा so हमें like I said बहुत सारे restrictions होते हैं the first one is कि आपको जब स्टूडियो आप जा रहे हो उससे पहले ना आपको वीडियो दिखेगा ना आपको स्क्रिप्ट मिलेगी सो द मोमेंट यू गो टू द स्टूडियो आप यू नो इफ देयर इज यू नो फॉर अ प्रोजेक्ट लाइक स्कंदा आप यू नो आप फिल्म देख वगैरह सकते हो थोड़ी बहुत एंड यू नो फिगर आउट हाउ द कैरेक्टर इज फिर आपको डायरेक्टर एक ब्रीफ देंगे उस ब्रीफ से मतलब 10 मिनट का जो ब्रीफ होगा उसमें से फिर आपको उस कैरेक्टर को समझना है एंड वी जस्ट स्टार्ट the first scene and do teen line wagera bolne ke baad we come close to what is the voice that we are looking for jaise aap hi ka agar hum example le to the kind of four films that I've done for you before charo mein I mean obviously that is also because you've given a variation to it and that is very important so jo aap keh rahe the ki you know हमें ये काम थोड़ा सा मुश्किल है हमें ये मुश्किल तब होता है जब एक्टर यू नो उस पर इंटरेस्ट लेके ना काम करे बट इफ यू आर गेटिंग एक्टर्स लाइक यू जो हु आर मेकिंग श्योर जो पर्सनालिटी वो प्ले कर रहे हैं उसके सारे नुआंसेस के साथ उसको प्ले करें आई जस्ट हैव टू टर्न अप एंड से द लाइन इन दैट इमोशन एज लॉन्ग एज द फेस मैचेस इट्स गोइंग टू साउंड सीमलेस इट्स गोइंग टू साउंड लाइक एंड एज अ वॉइस आर्टिस्ट मेरी जीत तभी होगी जब फिल्म देखने वाले को एक 10-15 मिनट के बाद भूल जाए वो कि ये ओरिजिनली किसी और लैंग्वेज में थी ये बस ये हिंदी थी मैं हिंदी देख रहा हूँ हिंदी हो रही है और उसके लिए सारे आर्टिस्ट यू नो द डायरेक्शन द राइटिंग टीम द इंजीनियर्स ऑब्वियसली सब एक साथ आके वो काम करते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज इन टर्म्स ऑफ नॉट गेटिंग द अमाउंट ऑफ रिहर्सल दैट वी वुड नीड फॉर अ कैरेक्टर पर लाइक आई सेड हमारे लिए वो काम आप लोगों ने पहले ही थोड़ा सा आसान कर रखा होता है यू नो जो सीक्वेंसेस होते हैं वो ऑलरेडी बनाए हुए होते हैं आपकी एक्टिंग होती है एंड यू नो एस्पेशली फॉर मी हुज़ अ हार्डकोर फैन ऑफ ऑल फिल्म साउथ आई थिंक आई गो देयर एज अ फैन बॉय आई अप्रोच इट एज अ कंप्लीट फैन बॉय आई मीन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग देन आई लाइक हाँ चलो अब करते हैं लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट योर कनेक्शन विद बॉलीवुड आपको हिंदी फिल्मों से कितना प्यार है यू नो आपके मनपसंद एक्टर्स कौन हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद कि आपने पहली हिंदी फिल्म कौन सी देखी थी माय ग्रैंडफादर वाज फ्रॉम द आर्मी एंड माय मदर वाज ब्रॉट अप इन कश्मीर एंड असम सो हिंदी में बहुत हिंदी कनेक्शन है घर में बहुत हिंदी कनेक्शन है और माय मदर्स ब्रदर माय मामा ही स्टिल कॉल्स माय मॉम दीदी so बहुत हिंदी का नाम है so ever since I was a kid my mom used to keep listening to Hindi songs starting from हम आपके कौन to my grandfather I know all these old Hindi songs मेरा जूता है जब पानी से full you know he keeps वो cassette में play कर रहा होता और you know when you're kids you keep listening absolutely to. So I don't know how many songs I know but I know a lot of songs you know from but what is your favorite आपका मनपसंद song कौन सा है I have lots, but there is this one song I can remember when I was a kid was from DDLJ, Tujhe Dekha To Ye Jaana. So I remember, like, ever since I could think of, that was my favorite song back then when I was Correct. A kid. Correct. So and who are your favorite actor and actresses? एक नहीं है सर, but एक तो actress तो एक होनी भी नहीं चाहिए, बहुत सारी favorite होनी चाहिए. That's correct. Actors may be ek nahi like it depends on every film and all of that but basically Shah Rukh sir or Salman sir or Amir sir Hrithik you know he's you just have to look at him you know just watch My him he's like a Greek god aur is generation mein intensity mujhe Ranbir Kapoor ka intensity bahut acha lagta hai aur bahut hai aur actresses mein actresses also lots आपने बोला था ना एक नहीं होगा एक नहीं होनी चाहिए दैट्स दैट्स यस वी विल स्टिक टू दैट अच्छा टेल मी कैन यू यू नो एज वॉइस आर्टिस्ट वी आर ऑफन आस्क्ड दिस एंड यू नो पीपल कंफ्यूज अस विद मिमिक्री आर्टिस्ट हु आर आल्सो इट्स अनदर एक अलग लीग होती है इट्स अनदर चैलेंज वो एनिमल्स अलग है ये एनिमल्स अलग है हां दे उनका मेहनत बहुत अलग लेवल का होता है बट इज देयर एनी यू नो फिल्म एक्टर और कैरेक्टर दैट यू लाइक टू मिमिक और यू नो यू कैन मिमिक
bad at mimicking, sir. I'm horrible at mimicry as well. That's what I try to tell people. I'm a voice artist. I'm not singing, I don't mimicry. Don't ask. So, okay. Let me ask you this. Can you guess how many pictures I've dubbed you? A lot. Ishmat Shankar mein bahut register hua aap. Haan. 5? So let's double that. 10. 10 pictures. Or, you know, I'll tell you, hum log ginwate hain. Edukante Preman tha. Nenu Sailaja. There was Hyper. Vunadi Okhate Zindagi. Ismart Shankar. Pandaga Chesko. Wow. Kandiriga. Red. Warrior. Aur ab. Skanda. Pura mera career bata diya, mera filmography bata diya aapne. So you can imagine ki matlab I've been dying to meet you and understand ki aapka kya take hai, what do you think about this entire thing, because aisa kabhi hota nahi hai hum voice artist ko yaar ki jiske liye kar rahe hain, the audience ko kaisa lag raha hai wo to pata chal jata hai, chalo unke messages aate hain, hame views nazar aate hain, and there are certain metrics ki jisse hum pata kar sakte hain, but jiski aawaz de rahe hain usko kaisa lagta hai, usko uska feedback kya hai, kya kar sakte hain agli baar jo wo chahe ki kuch aur. Nahin, sir, jo aap kar rahe ho sirf wahi karo. where all you can improvise, wahi karo. No changes, not even touching. You're perfect in your job. Thank you so much. So, aur wahi kiya hai Sikanda mein, and all my best wishes, all my love. Thank you. Congratulations to you, congratulations to the entire team jo Sikanda ke piche hain, aur Boyapati sir ko bhi dher sari badhaiyan, dher sari shubhkamnaye. Sound and Vision Studios, E-Studios, humare dubbing director Kalpesh aur main, hum sab artists jinhone voice diya hai Sikanda ke liye, hum sab ki taraf se all the best. We are really looking forward to Sikanda, shattering all those speakers in theaters, and hum log intezar kar rahe hain besabri se 28 September ka. Achha, social media pe na maine kuch comments observe kiye hain, jo generally humare trailers vagera ke niche aate hain likh ke, aur kai logon ne ye resemblance dekha, and then I started to see the resemblance as well. There is this one of the country's favorite cricketers jisko aap resemble karte hain. Have you got that a lot of times? Have you heard that a lot of times? Every day. Jab main Ishmat Shankar ke liye ek photo click karke casually Instagram mein post kiya, tab se every time I go, I keep getting that. Everybody thinks ki like a close match to Mr. Virat Kohli. And agar unki biopic banti hai, would you like to play Virat Kohli? Oh, definitely. Definitely be a privilege to you've, play. You've played cricket and you've loved the game. Sir, sab aa jata hai. Virat Kohli's biopic is exciting. Bilkul. So, jab something, we're doing something exciting, hum flight bhi seekh sakte. And that's spoken like a true actor, sir. Yeah, and that's exactly, that's the kind of passion that translates on the screen. Nahi aata magar karunga. That kind of a thing. Karna hai to haan, phir jo hai wo karenge. Bilkul. Thank you so much for that. Thank you, sir. So, there's this unprecedented kind of success that you've gotten on the digital platform, especially YouTube and all. I don't know if you know of this, but like I mentioned before, ki aapki filmein 200 million, 300 million, 500 million cross kar rahi hai. Bahut kam Telugu actors aise hain jinhone aise milestones ek ke baad ek break kiye hain har nayi film ke sath. Abhi I think recently jo Warrior bhi aayi hai wo bhi 25 crore tak almost pahunch chuki hai. So how does it feel ki and these views are not just India, this is like we were just talking about United Kingdom se, Nepal se, Pakistan se, Bangladesh se, alag alag deshon se bhi log dekh rahe, because it's YouTube again, so yeah. Puri duniya bhar mein aapke itne fans hain, and they're all now accessing your films and they're watching it in millions. Kaisa lag raha hai aapko, sir? Like I said, sir, it's truly an honor, a blessing. Jab bhi my team keeps sharing all these things with me, and I'm like, ye film Telugu mein itna nahi hua, but Hindi mein itna bada hit ho gaya. And how people keep waiting for my films and all of that, I think ye ek blessing hai aur bahut zyada responsibility bhi hai. Bilkul. Aur I think ye sab milke mujhe ye Pan India release ke liye push kiya tha. So I think when they give me so much love, I think they deserve to see a better get a better visual see experience. See it on the big screen, absolutely. Yeah, so, absolutely. अच्छा, हमने आपसे पूछा था कि सबसे पहली बॉलीवुड फिल्म कौन सी देखी थी आपने? जैसे मेरा सबसे पहला हीरो जो मैं जिससे मैं मिला हूँ वो है राम पोथी ने. आप सबसे पहले आप सबसे पहले जो बॉलीवुड हीरो जिससे मिले थे वो कौन थे? I think it's सलमान सर. वाओ. सो आई रिमेम्बर मैं बहुत शाय हूँ बाहर,
और रितेश देशमुख एंड जेनीलिया, दे आर वेरी गुड फ्रेंड, जेनीलिया और मैं रेडी किया. करेक्ट. और सब हम सब RFC में शूट कर रहे हैं, रामोजी फिल्म सिटी में, और लॉबी में बैठ रहे थे और वी जस्ट टॉकिंग. और सडनली रितेश ने बोला कि बाय आ रहा है, बाय आ रहा है. सो आई वाज लाइक, ओ आ रहा है, ओके चलो मैं जा रहा हूँ. लाइक नहीं नहीं नहीं, स्टे स्टे. एंड सलमान सर हैड रीमेड रेडी, रेडी वॉज माई फिल्म एंड ही रीमेड. करेक्ट. So I was very shy. I was like, no, you take care. And then Ritesh held me and was like, no, you wait, you meet him. Or the first time I was walking, you know, all that swag and this and that, he came and I was like, introduced me and all that. I was like, yeah. He was like, I remember. You did a great job in Ready. Oh, I was like, yeah. Thank you so much. Oh, how nice to have a compliment directly. Yeah. And also, you know, I was so excited that, you know, the minute Ready was the first film in my home banner. Right. So it was an honor for me. You know, Salman sir watching my film and, you know, right, remaking my film is like a huge honor. Right. And then meeting him and then, you know, getting a compliment directly. Absolutely. Was like a huge deal also. So I'm talking about remakes. I think I remember Varun Dhawan had remade another film, Hero Panti. Main Tera Hero. Main Tera Hero. Yeah, yeah, correct. Yeah. So how was that experience? Were you able to meet him on that? Yeah, Varun, actually I Double Smart ko shoot kar raha na, right, Mumbai mein. Right. We bumped into each other in the gym. Okay. So we were working out and uske pehle we didn't meet, but recently, like, okay, 4 months back we met. He's such a sweet guy. And he was telling me his experiences jab, you know, right, Kandriga remake kar raha hai toh Main Tera Hero. He was like, how did you do that scene, this scene, all of that. Oh. I think he's done a fantastic job because jab main Kandriga ko kar raha hun, me and director, we were in a different zone. Right. And sub spot me kya. Correct. You know. A lot of improvisation. Everything. Like, कैमरा ऑन करने के बाद जो भी मुझे लगा मैं किया. Correct. वो रेप्लिकेट करना इतना आसान नहीं है क्योंकि मैंने देखा कि कंदरे का इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर होने के बाद दूसरे इंडस्ट्री से बहुत सारा हीरोज आके देखा, यू नो, रीमेक करने के लिए. करेक्ट. बट नोबडी वाज लाइक, क्या करो, क्या रेप्लिकेट करो. दैट वाज आल्सो लाइक अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. एब्सोल्युटली. बट जब, यू नो, व्हेन आई हर्ड दैट डेविड धवन सर इज डूइंग इट एंड देन वरुण धवन इज डूइंग इट, and Ileana and I, we debuted in the same film. Right. So she kept calling, she was in the film. And she was like, they're super impressed, we watched this scene today and all of that. And I think he's a sweetheart and he's done a fantastic job. It's not easy to replicate. Jo yeah, main kiya toh, this is, I mean, that this was is spontaneous. Wonderful that, you know, they were watching and they were trying to take notes from how it was. And, you know, वही बोला था, जब मैं किया था वो spontaneous था. जो आपने रिप्लिकेट किया और थोड़ा चेंजेस भी किया, यू नो, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग एंड इट वर्कड आउट टू बी अ सुपर हिट इन हिंदी आल्सो, नो, सो एंड अ वेरी स्वीट गाय एंड आई थिंक ही डिजर्व्स ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड. तो अब यू नो हमारे साथ आप हैं, यहाँ पर एक एक्टर है, एक वॉइस एक्टर है, थोड़ी सी डबिंग कर लेते हैं, यू नो, एक लाइव डबिंग का एक हल्की सी झलक दिखा देते हैं. परफेक्ट. और वो भी स्कंदा से ही दिखाते हैं. डन. तो आपका एक बहुत ज़बरदस्त डायलॉग है विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स बिकॉज इट्स कम्स इन अ पोजिशन इन द फिल्म वेयर यू नो योर कैरेक्टर इज जस्ट स्लेइंग इट, मतलब. तो वो एक डायलॉग है विच इज़ शेर शिकार पे निकला है. हाँ. शेर शिकार पे निकला है. डन. तो आप करेंगे लिप्स, मैं करूँगा वॉइस. डन. शेर शिकार पे निकला है. I have no idea how that come out, but you know I am excited to see it. I think we are excited, but usko yeah, yehi dekh rahe hain na hum. Iska face aur iska voice. Kya hai, kuch alag kya hai? Naya guess. To ab Skanda 28 September ko release hone wali hai. Aapke jo you know Hindi darshak hain, besabri se intezar kar rahe hain ki theaters mein ye kab aayegi. Aap unse seedhe ekdam seedhe bedhadak kya message dena chahenge? Jo bhi mere films, इतने फिल्म्स देखा और इतने प्यार मिल रहा है मुझे, दैट इज़ इंस्पायर्ड मी टू रिलीज़ स्कंदा एंड माई फोर्थ कमिंग फिल्म इन ऑल द थिएटर्स इन इंडिया एंड होपफुली सम टाइम इन नेपाल एंड यू नो अदर कंट्रीज इज वेल. और फर्स्ट थिंग इज़ बहुत 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 धन्यवाद एंड आई एम प्रिविलेज, आई एम ब्लेस्ड, आपका इतना प्यार मिल रहा है. जब भी मैं अब्रॉड भी जा रहा हूँ, जब ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, आई हर्ड सॉ लॉट ऑफ नेपालीज, लाइक अदर देन इंडियंस, नेपालीज आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, यू नो, सो आई थिंक इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी एंड आई फील ट्रूली ब्लेस्ड. और आपके लिए एक ही टाइम पे रिलीज कर रहा हूँ इस फिल्म और आई रियली होप यू वॉच इट ऑन द बिग स्क्रीन. जो भी आप स्मॉल स्क्रीन में एंटरटेनमेंट देख रहे हो, एंटरटेन हो रहे हो, वो बिग स्क्रीन में देख के बहुत ज़्यादा एंटरटेन होने के लिए मैं थोड़ी से
मैं चाहता हूं कि आप और ज्यादा आए. होप कर रहा हूं. लाइक आई सेड, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मेरे हिंदी के लिए हिंदी सबटाइटल्स चाहिए तो वो भी नहीं 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 हिंदी ऑडियो आएगी और थोड़ा मिस हुआ तो आप डब कर लेंगे, वो सब संभाल लेंगे सर. एंड प्लीज थैंक यू ऑल सो मच. एंड स्कंदा 28th of September रिलीज हो रहा है, और प्लीज गो विथ योर फैमिली एंड वॉच इट ऑन द बिग स्क्रीन.